हाय फ्रेंड्स, दिस इज गिरीश महाजन। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज नंबर 3.1। सो ओके, लेट स्टार्ट द एग्जांपल। हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डायगोनल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको कितने डायगोनल्स हैं वो हमें देखना है। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को कितने डायगोनल्स हैं ये अगर हमें निकालना है तो पहले हमें उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की डायग्राम कैसी होगी फिर? सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल निकाल लिया और ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसके हर एक डायगोनल क्या है, उसके इंटीरियर पार्ट में आता है। तो भी ये जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसको कितने डायगोनल्स है, तो अगर मैंने डायगोनल्स को अटैच कर दिया, तो डायगोनल्स मींस नॉन एडजेसेंट वर्टेसेस को अगर मैंने उसको अटैच कर दिया तो क्या बन जाता है, डायगोनल। तो देखो इसमें कितने डायगोनल्स है, ये पहला डायगोनल और ये सेकंड डायगोनल। सो देयरफॉर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को कितने डायगोनल्स है, 2 डायगोनल्स है। नाउ सेकंड इज अ रेगुलर हेक्सागन। अभी जो रेगुलर हेक्सागन है तो पहले हमें रेगुलर हेक्सागन निकालना होगा। रेगुलर हेक्सागन मींस क्या, उसके जितने भी साइड्स है वो इक्वल होने चाहिए और जितने भी एंगल्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हम उसे रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। तो पहले हमें रेगुलर हेक्सागन की डायग्राम निकालनी होगी। ये रेगुलर हेक्सागन मैंने निकाला जिसको 6 साइड है, ये देखो ये रेगुलर हेक्सागन मैंने निकाला। ये रेगुलर हेक्सागन में क्या है, इसके जितने भी साइड्स है वो क्या है, आपके इक्वल है, और ये जो हर एक एंगल है वो भी क्या है, आपका इसमें इक्वल होता है। नाउ डायगोनल्स निकालेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट डायगोनल, दिस इज सेकंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ, फिफ्थ डायगोनल, सिक्स्थ डायगोनल, सेवन डायगोनल, और ये आपका 8 डायगोनल। तो जो रेगुलर हेक्सागन है वो 8 डायगोनल हो गए, और कौन सा डायगोनल छूटा है, ये देखो ये वाला एक छूट गया था, ये है डायगोनल 9। तो रेगुलर हेक्सागन को कितने डायगोनल से फिर, तो रेगुलर हेक्सागन को कितने डायगोनल से, आपके 9 डायगोनल से। नाउ थर्ड वन इज ट्राइंगल। अगर मैंने ट्राइंगल निकाला तो ट्राइंगल को कितने डायगोनल्स होंगे ये हमें दिखाना है। तो सपोज मैंने ये ट्राइंगल निकाला, अभी ये ट्रायंगल जब मैंने निकाला तब डायगोनल की डेफिनेशन क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टेसेस को मुझे कनेक्ट करना है। तो इसमें नॉन एडजेसेंट वर्टेसेस कौन सा है, अभी अगर सपोज ये वर्टेसेस ए है, बी है और ये सी है, तो ए जो वर्टेसेस है वो सी और बी का क्या है, एडजेसेंट है, तो ये ट्रायंगल में नॉन एडजेसेंट वर्टेसेस नहीं है, तो ट्रायंगल को डायगोनल है क्या फिर, नहीं। सो देयरफॉर ट्रायंगल हैज नो डायगोनल, ओके, नो डायगोनल। सो नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स। उसमें पहला एग्जांपल दिया है आपको, अगर सपोज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को 7 साइड्स है तो उसकी इंटीरियर एंगल सम कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, इंटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन इज एन माइनस 2 इंटू 180। तो इसमें एन की वैल्यू कितनी है, उसको 7 साइड्स है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 2 इंटू 180। सो 7 माइनस 2 इंटू 180 इज नथिंग बट 5 इंटू 180, तो 5 इंटू 180 इज नथिंग बट 900। सो अगर वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को 7 साइड्स है तो उसके एंगल सम कितनी है फिर, 90 डिग्री। नाउ सेकंड इज इफ अगर वो जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है उसको अगर 8 साइड है
तो उसकी एंगल सम कितनी होगी? तो अगर 8 साइड उसको है तो वी नो दैट, हमें पता है कौन सा फॉर्मूला है, हो n माइनस 2 इंटू 180। तो n की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 2 इंटू 180। सो 8 माइनस 2 इज नथिंग बट 6 इंटू 180, और 6 इंटू 180 इज नथिंग बट 1080 डिग्री। सो देयरफॉर अगर वो पॉलीगॉन को 8 साइड्स है तो उसके इंटीरियर एंगल सम कितनी होगी फिर, 180 डिग्री। तो सिमिलरली आप 10 का निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। तो ये एग्जांपल सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है। ओके, फाइंड एंगल एक्स, ये क्वाड्रिलैटरल दिया है, उसमें ये जो एक्स एंगल है ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्वाड्रिलैटरल है, 1 2 3 4, 4 साइड्स इसको दी है, तो ये क्वाड्रिलैटरल में हमें एंगल एक्स फाइंड करना है। सो वी नो दैट एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल वो कितनी आती है आपकी, 360। अगर आपको क्वाड्रिलैटरल में 3 एंगल दिए हैं तो आप चौथा वाला एंगल निकाल सकते हो। सो वी नो दैट एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360। सो देयरफॉर ये जितने भी एंगल्स हैं उनकी एडिशन कितनी आएगी, 360। सो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 360। सो 30 प्लस 130 और प्लस 120 ये कितना हो गया आपका, 50 प्लस 130 180, 180 प्लस 120 300 प्लस एक्स इक्वल टू 360। अभी ये जो 300 है वो इधर प्लस है, वो जब राइट साइड में ट्रांसफर्स होगा तब ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो 360 माइनस 300, सो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 360 माइनस 300 इक्वल टू 60 डिग्री। तो वो जो अननोन एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, इस एग्जांपल में हमें दिया है ये एंगल एक्स है, ये 70 है और ये 60 डिग्री है, और ये जो एक्स एंगल है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है, देखो 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलैटरल है क्योंकि इसको 4 साइड्स है, तो हमें पता है इंटीरियर एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360। बट अगर जब तक हमें ये एंगल हम फाइंड नहीं कर सकते तो ये एंगल हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें 3 एंगल अगर पता है तो ही हम फोर्थ वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल क्या है फिर, देखो ये कितना है आपका, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपकी, लीनियर पेयर। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। अभी आपको 3 एंगल पता है क्वाड्रिलैटरल के, फोर्थ वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो। सो वी नो दैट एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 360। सो इंप्लाइज दैट एक्स प्लस 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 70 220 इक्वल टू 360। सो इंप्लाइज दैट ये x प्लस ये जो 220 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो इक्वल टू 360 माइनस 220। सो देयरफॉर x इक्वल टू 360 माइनस 120 इज 140। सो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 140। नाउ थर्ड एग्जांपल इज, ये एंगल x हमें फाइंड करना है।
तो पहले देख लो कि इसमें ये जो डायग्राम है वो पॉलीगॉन कौन सा पॉलीगॉन है वो हमें देखना है। तो देखो ये वन साइड टू थ्री फोर और फाइव, तो ये जो डायग्राम है इसको फाइव साइड्स है, मीन्स ये कौन सा है आपका पेंटागॉन, ये क्या है आपका पेंटागॉन है। तो हमें पता है इंटीरियर एंगल सम ऑफ पेंटागॉन कितनी आती है। ओके, तो ये निकालने के पहले हमें ये एंगल और ये एंगल क्या होगा निकालना होगा। तो देखो ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 110। क्यों? क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा आपका 120। ये 120 क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ये जो पेंटागॉन है इसमें हमें 1 2 3 4 5 तीन एंगल दिए हैं और जो एंगल हमें निकालना है वो सेम है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से वो एक्स की ये जो एंगल है वो निकाल सकते हैं। तो हम पहले निकालेंगे। ओके, सो देयरफॉर ये लीनियर पेयर है, सो इंप्लाइज दैट बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ये 1010 है और ये 120 है। ओके, सो बाय एंगल सम ऑफ पेंटागॉन ये 30 + x + x + 110 + 120 इक्वल टू, अभी ये जो पेंटागॉन है पेंटागॉन की एंगल सम कितनी आती है, पेंटागॉन जो है उसको कितने साइड्स है, फाइव साइड्स है। तो हमें पता है कि फाइव साइड्स अगर उसको है तो हम उसके एंगल सम कितने निकाल सकते हैं, 5 - 2 × 180। सो 5 - 2 मीन्स 3 × 180। सो 3 × 180 मीन्स 540 डिग्री। तो उसके इंटीरियर एंगल की सम कितनी है आपकी 540। तो ये कितने आ जाएगी आपकी 540। सो देयरफॉर ये 30 + x + x ये होगा आपका 2x, 30 + 110 ये 140, 140 + 120 ये होगा आपका 260 इक्वल टू 540। सो नाउ सो ये 260 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 540 - 260। सो देयरफॉर 540 - 260 ये हो गया आपका 280। सब्सट्रैक्शन, सो ये जो अभी 2 है यहां मल्टीप्लाई में है, यहां क्या हो जाएगा वो डिवाइड में चला जाएगा, 280 / 2। सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 280 / 2 इक्वल टू ये हो गया आपका 140। तो ये जो एक्स है वो अननोन की वैल्यू कितनी निकली है आपकी 140 डिग्री। ओके, सो नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें ये एक्स एंगल निकालना है और ये जो डायग्राम दी है आपको ये डायग्राम में जितने भी साइड्स है वो क्या है इक्वल है और जितने भी एंगल्स है वो क्या है आपके इक्वल है। तो ये जो पॉलीगॉन है इसमें अगर साइड्स और ऑल एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो ये बन जाता है आपका रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो ये है आपका रेगुलर पॉलीगॉन। और रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है, कितने साइड्स है इसको, 1 2 3 4 5। अगर इसको 5 साइड्स है तो ये बन जाएगा आपका रेगुलर पेंटागॉन। ओके, इसमें क्या होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल, सो वी नो दैट अगर उसके जितने भी एंगल्स है वो अगर इक्वल है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। सो देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन x + x + x + x + x इक्वल टू ये 5x इक्वल टू ये पॉलीगॉन है मीन्स पेंटागॉन है, पेंटागॉन की इंटीरियर सम कितनी है अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में निकाली है कितनी होती है 540। सो देयरफॉर x + x + x + x + x ये हो गया आपका 5x इक्वल टू
540, सो देयरफॉर ये 5 यहां मल्टीप्लाई में है, या जब राइट साइड में जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 5, सो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 108 डिग्री। तो ये जो x की वैल्यू है, अननोन एंगल की वैल्यू है, वो कितनी मिली है हमें, 108 डिग्री। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x प्लस y प्लस z। हमें x प्लस y प्लस z, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, y एक्सटीरियर एंगल है, x एक्सटीरियर एंगल है और z एक्सटीरियर एंगल है, इसकी हमें एडिशन फाइंड करनी है। ये एग्जांपल हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के यूज से हम ये थर्ड वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, और सेपरेटली ये अगर 30 है तो ये हो जाएगा आपका लीनियर पेयर, ये हो जाएगा आपका 150। ये अगर 90 है तो ये है आपके लीनियर पेयर, ये वाई हो जाएगा 90 डिग्री, और ये अगर जेड, अगर हमने इसको ये एंगल निकाल लिया तो हम जेड की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और तीनों की अगर हमने एडिशन कर दी तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये जो है वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल की सम निकालनी है, तो जो एंगल आपको सपोज दिया नहीं है, ये जो एंगल है ये आपको दिया नहीं है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। ओके, तो ये क्या बन गया आपका, ट्राइंगल बन गया। सो बाय वी नो दैट इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्राइंगल इज 180। ये जो तीनों एंगल की सम कितनी आ जाएगी आपकी, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 30 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। नाउ अभी ये जो 90 है, ये 90 कहाँ है आपका, ये यहां है, तो ये 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर ये जो पूरी मेरी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो 90 है उसे मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, 180 में से अगर मैंने y को अगर माइनस कर दिया तो मुझे 90 मिल जाएगा। तो ये जो 90 है उसको मैंने कैसे रिप्लेस किया, 180 माइनस y। देखो ये क्या है आपका, लीनियर पेयर, तो ये लीनियर पेयर कितनी की होती है, 180 की। तो ये जो 180 डिग्री है इसमें से अगर मैंने ये एंगल अगर माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो मैंने 90 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिमिलरली 30 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 180 में से अगर मैंने x को माइनस कर दिया, 180 में से ये x को अगर मैंने माइनस कर दिया तो मुझे 30 डिग्री मिलेगा। तो मैं 30 को कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, 180 माइनस x प्लस, और ये जो a एंगल है, ये a एंगल को कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, 180 माइनस z, 180 माइनस z इक्वल टू ये हो गया आपका 180। सो नाउ अभी ये 180, ये 180 और ये 180, ये कितना हो गया आपका 540, और ये माइनस y माइनस x माइनस z इक्वल टू 180। अभी ये जितने भी माइनस वेरिएबल है वो क्या करता हूं, मैं राइट साइड में क्या करता हूं, शिफ्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा 540 इक्वल टू 180 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में क्या थे, माइनस, मैंने उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएंगे प्लस। अभी मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो ये जो 180 है वो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट साइड में लेके आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 540 माइनस 180। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये यहां प्लस है, लेफ्ट साइड में जब आएगा तब माइनस हो जाएगा, सो इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो देयरफॉर 540 माइनस 180 इक्वल टू 360 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
तो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड इसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमें 360 डिग्री। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। तो ये देखो y और ये z और ये x, ये तीनों क्या है आपके एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की जो सम होती है वो कितनी होती है आपकी 360 डिग्री। तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा यही प्रूव होता है कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। आप ये जो एग्जाम्पल है वो ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो सेम तरह का एग्जाम्पल हम अभी और देखेंगे। ओके, सो नाउ कम टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सेम टाइप का है प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने देखा है, उसमें हमें फाइंड क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम प्रीवियस एग्जाम्पल में जैसे सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम सेपरेट सेपरेटली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये क्वाड्रिलेटरल है, तो जो एंगल हमें दिया नहीं है उसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ओके, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है अंदर वाला, तो वी नो दैट इंटीरियर एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल की सम कितनी होती है 360 डिग्री। प्रीवियस एग्जांपल में ट्रायंगल था तो ट्रायंगल की 180 होती है, और यहां क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल की 360 होगी। सो नाउ सो ए प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60, चारों एंगल की सम कितनी हो जाएगी आपकी 360 डिग्री। तो ये जो ए है वो हम ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखो ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है ये आपकी। ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ए को हम कैसे कर सकते हैं, 180 माइनस W अगर मैंने कर दिया तो मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी। सो A को कैसे लिख सकते हैं हम, 180 माइनस W। सिमिलरली ये जो 120 है 120 को कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस X। सिमिलरली 80 को कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस Y। और x को कैसे लिख सकते हैं, 60 को 180 माइनस x इक्वल टू 360। ओके, तो हमने ये a जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था वैसे ही लिखा है। सो देयरफॉर ये 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 ये कितना हो गया आपका 720, और ये माइनस W, ये माइनस X, ये माइनस Y, ये माइनस सॉरी फॉर दैट, ये जो हमने यहां X लिया था वो यहां Z है, तो यहां कितना आ जाएगा आपका, ये Z आ जाएगा। सो देयरफॉर ये माइनस Y और ये माइनस Z इक्वल टू 360। सो देयरफॉर अभी ये जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव वेरिएबल है, मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव। सो 720 इक्वल टू 360 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू। ओके, ये नेगेटिव थे, राइट साइड में पॉजिटिव हो गए। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये 360 है वो मैं नेगेटिव में ये लेफ्ट साइड में लेता हूं। सो 720 माइनस 360, यहां पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाएगी। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। सो देयरफॉर 720 माइनस 360 इक्वल टू 360 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो यहां हमने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी है आपकी
360, तो फिर से यहाँ प्रूव हो गया एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। देखो ये एक्सटीरियर एंगल सम में था, ओके। तो ये जो हमने आज एक्सरसाइज सॉल्व की है वो 3.1 है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आपको सारे वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू।